नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, महासंघ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। चालक संघ द्वारा महासंघ मनाया गया। महासंघ द्वारा 4 बसें खरीदी गई। यह 4 बसें बालाघाट से नैनपुर, बालाघाट से घुमादेही, बालाघाट से परसवाड़ा व गोदरी से बालाघाट कल से प्रारंभ होगी। आज 4 बसों का शुभारंभ वरिष्ठ चालक नत्थेखा द्वारा करवाया गया, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। बसों में सुविधाएं की बात करें तो जो आज गाड़ियां संचालित हो रही है वह किराए में बढ़ोतरी करके वसूली कर रही है। लेकिन बस चालक द्वारा बताया जा रहा कि बसों का जो सरकार की ओर से निर्धारित साधारण किराया है वही किराया लिया जाएगा। जी, ये जो 4 बसें हैं ये बालाघाट से नैनपुर, बालाघाट से घुमादेही, बालाघाट से परसवाड़ा होते हुए बहिहरे और एक गोदरी से बालाघाट, ये जो हमारी चारों गाड़ियाँ हैं ये कल से संचालित होगी। आज इसका शुभारंभ है जी। किसके हाथ से आप कराए जा रहे हैं? जी, इसका आज का जो शुभारंभ है, जो हमारे चालक परिचालक के जो वरिष्ठ हमारे चालक रहे हैं, नाम अब रिटायरमेंट हो गए हैं, उन्हीं के हाथ से हम करवा रहे हैं। नाम क्या? चचा नाम। नत्थेखा जी। क्या सुविधा रहेगी बस में? जी, इसमें यह सुविधा है कि जो आज गाड़ियां संचालित हो रही है और अन्य ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो किराए में बढ़ोतरी करके जो आम जन से वसूली कर रही है, हमारे यहां पर जो साधारण किराया है जो शासन की ओर से निर्धारित है, हम लोग उसी किराए में यानी पैसा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और सुविधाओं में जैसे कि अन्य लोगों के यहाँ पर जो होता है कि एक अच्छा व्यवहार हो हमारे स्टाफ का आम पब्लिक के साथ, और जितनी सुविधा हम उनको दे सके उतनी कोशिश करेंगे। कितने कर्मचारी रखे गए? जी, अभी तो हमारे महासंघ 31 कर्मचारी हैं। नहीं, बसों को गाड़ी के संचालन के लिए? जी, अभी तो यहाँ पे 12 सदस्य जो हैं वही इन गाड़ियों को संचालित करेंगे।